Now, two, three tricks about animation, जो हम यूज करते रहते हैं और एनिमेशन में हमें बड़ा फायदा देता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप नेट से रिग डाउनलोड करोगे, तो जैसे ये रिग है, तो मोस्टली एक स्टैंडर्ड है रिगिंग के अंदर कि हर रिग का एक मास्टर कंट्रोल जरूर बनाया जाता है। ठीक है, मास्टर कंट्रोल वो यूजली एट द ग्राउंड, एट द फीट्स हमारे पास मौजूद होता है। इन दिस केस, इस पर्टिकुलर कैरेक्टर का ये मास्टर कंट्रोल है। मतलब ये कंट्रोल इस पूरे कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा। ठीक है, अगर मैं इसके चैनल बॉक्स में आऊँ यहाँ पे, तो ऊपर नाम भी लिखा हुआ है मास्टर कंट्रोल। इसका नाम मास्टर कंट्रोल हो सकता है, कैरेक्टर कंट्रोल हो सकता है, मेन कंट्रोल हो सकता है, वगैरह वगैरह। सबसे पहला काम तो ये होता है कि इस कंट्रोल को सेलेक्ट करके आप कैरेक्टर को कहीं भी पोजिशन कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि जहाँ पर आपको कैरेक्टर मिला आप वहीं से उसके एनिमेशन स्टार्ट करो। ठीक है, इसको आप ऊपर से नीचे चेयर्स पे बैठा के, स्टेयर्स पे, कहीं भी बैठा हुआ है, तो ये मास्टर कंट्रोल आपको अलाउ करता है कि कैरेक्टर को इनिशियली उसकी पोजीशन को आप इस कंट्रोल के थ्रू सेट कर सकते हैं। इसी तरह से उसकी रोटेशन को भी, कि किस तरफ देख रहा है। हो सकता है आपने इसके दो तीन कैरेक्टर यूज़ करने हैं, एक कैरेक्टर आमने सामने खड़ा हुआ हो, ऊपर नीचे कोई बैठे हुए हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आप उसकी रोटेशन वगैरह ये सारा इसके मास्टर कंट्रोल के थ्रू आप कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इफ़ यू कम इन टू इट, तो इस मास्टर कंट्रोल के अंदर कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज भी उमूमन कैरेक्टर्स की पाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई कम हेयर फेस रिग, ठीक है, ये तो ट्रांसलेट रोटेट स्केल प्रॉपर्टी स्टैंडर्ड है। फेस रिग आ गई, फेस रिग का मतलब ये फेशियल रिगिंग। इस वक्त अगर आप फेशियल रिगिंग नहीं कर रहे, तो इस कंट्रोल को आके जीरो कर दो, तो जो फेस के रिग है वो खत्म, वो अटरम गटरम चीज़ें जो हैं वो आपकी हाइड हो जाएंगी। ठीक है, इसी तरह से फेशियल कंट्रोल्स बाकी जो है वो भी ऑफ किए हुए, अगर आप चाहो इसको ऑन भी कर सकते हो, तो ये आपको एडिशनल कंट्रोल्स दे देगा फेस के ऊपर, अगर आप खुद से जाके आईब्रोज और उनके ऊपर कंट्रोल पे, एनिमेशन पे काम करना चाह रहे हैं, एडवांस लेवल की सेटअप। ठीक है, फिलहाल अगेन हमने उसको भी ऑफ कर दिया। आई गो बैक, जूम आउट, सेलेक्ट द मेन कंट्रोल, इसको भी आके हमने ऑफ कर दिया। ठीक है, इसी तरह से स्मूदिंग लेवल हो गई वगैरह वगैरह। हर कैरेक्टर की अपनी एक प्रॉपर्टीज होंगी जो इसमें आपको मिलेंगे। इसके साथ साथ इसमें एडिशनल प्रॉपर्टीज इस पर्टिकुलर कैरेक्टर की मौजूद है, जैसे कि जेंडर। फॉर एग्जाम्पल, मुझे फीमेल चाहिए, तो अब ये फीमेल कैरेक्टर का थोड़ा सा फिजिक बन गई। ठीक है, मैंने कहा इसका हेयर स्टाइल शॉर्ट हो, थोड़ा सा स्टाइलाइज हो, या ऑफ डिफरेंट टाइप का हो, तो वो भी मैं चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा टोटली गंजा हो, तो टोटली गंजा करके मैं अपना हेयर स्टाइल बना के वो भी इस पर डालना है, तो वो भी दे सकते हैं। ठीक है, अब ये ज़रूरी नहीं कि हर कैरेक्टर के साथ हो, ये इस पर्टिकुलर कैरेक्टर के साथ गिवन है। ठीक है, नेट से हमने उठाया था, अब हो सकता है कि दूसरे कैरेक्टर्स के साथ ये चीज़ मौजूद ना हो। इसी तरह से आईब्रोज थिक थिन होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यूनिक कर दोगे तो आपकी आईब्रोज जुड़ी हुई हो जाएंगी, अगर आपने थिन कर दी तो बिल्कुल पतली हो जाएंगी, अगर आपने थिक कर दी तो थोड़ी मोटी हो गई। शर्ट का कलर बाय डिफॉल्ट वाइट है, पहला पहला आप चाहो तो ब्लैक कर दो, रेड कर दो, या आप अपना टेक्सचर भी इसको असाइन कर सकते हो आपके पास। इसी तरह से ट्राउज़र का कलर जो है वो आपको कौन सा चाहिए, यू कैन कंट्रोल दैट एज वेल। स्किन कलर फेयर होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस टैन होना चाहिए, थोड़ा सा डार्क या बिल्कुल ही डार्क कलर होना चाहिए, तो आप वो भी थोड़ा सा इसके अंदर बता सकते हैं। इसी तरह से हेयर कलर ब्राउन या रेड या फॉर एग्जाम्पल ब्लैक, जो आपको अच्छा लगे कैन स्पेसिफाई दैट। इवन आइज़ का जो कलर है इसने वो भी दिया हुआ है कि आपको आइज़ ब्लू चाहिए, ब्राउन चाहिए या ग्रीन चाहिए। ठीक है, ये थोड़े बहुत कंट्रोल्स हैं। जिस तरह से नेट से जब भी हम डाउनलोड करते हैं, तो बहुत ज़बरदस्त रिग्स पड़ी हैं, हर रिग्स का अपना एक एक अलग से कंट्रोल होगा जो आपको अलाउ करेगा कि आप उसके साथ जो है सेटअप कर सको। ठीक है, अब इन दिस केस इस कैरेक्टर के ऊपर ऑलरेडी एनिमेशन है। ठीक है, चलें अब लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट ट्रिक ये है कि फॉर एग्जाम्पल आप नेट से कैरेक्टर डाउनलोड करते हो, तो आपने उसके ऊपर एनिमेशन कर दी, आपने सेव कर दिया, तो अब आपके पास उसकी कॉपी नहीं रही। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये कैरेक्टर आ गया, मैंने इसके ऊपर एनिमेशन कर दिए, आई रियलाइज कि यार इसकी मैंने सेव एज नहीं किया था, उसी के ऊपर सेव करता चला गया, इसके ऊपर ऑलरेडी एनिमेशन आ गई। अब किसी भी कैरेक्टर के ऊपर एनिमेशन आ गई है, तो उसको वापस जीरो पे मैं कैसे लेकर आऊँ। ठीक है, पहला काम तो मैं ये करता हूँ कि पहले टाइम फ्रेम को वन पे ले गया। ठीक है, टाइम को वन पे ले गया, फिर तमाम उसके कंट्रोल्स किए सेलेक्ट। ठीक है, जितने कंट्रोल्स थे हमने क्लिक एंड ड्रैग करके किए सेलेक्ट, सारे कंट्रोल्स हो गए सेलेक्ट। उसके बाद आप आ जाओ टाइमलाइन के ऊपर, यहाँ पे करो डबल क्लिक। ठीक है, मेक श्योर आप वन पर हो, वन पर रहते हुए डबल क्लिक करो। ठीक है, अगेन दोबारा से वन पे मैंने ड्रैग किया,
या तो शिफ्ट दबा के डबल क्लिक करो ताकि कंट्रोल आपका मूव ना हो। तो आपने शिफ्ट दबा के मूव किया तो सारे की फ्रेम सेलेक्ट हो गए। राइट क्लिक किया, सॉरी वापस इधर शिफ्ट दबा के डबल क्लिक किया, राइट क्लिक किया, डिलीट कर दो। इससे क्या होगा कि उसकी तमाम एनिमेशन डिलीट हो गई। ठीक है, अब अगर आप मूव करोगे तो आप चेक करोगे आपका कैरेक्टर मूव नहीं। तो समटाइम्स ये भी होता है कि हमने एनिमेशन कर दी, पूरी एनिमेशन ख़राब हो गई और मुझे सारी एनिमेशन डिलीट करनी है, मैंने इसको डिलीट कर। या फिर ये भी हो सकता है कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड, मैंने कहा यार 10-12 फ्रेम तक तो एनिमेशन ठीक है, उसके बाद की एनिमेशन मेरी ख़राब हो गई है। ठीक है, मतलब मैं चाह रहा हूँ यार ये तो बड़ा ज़बरदस्त बन गया, बड़ी अच्छी तरीके से आंटी बैठ रही है, अब इसके आगे की एनिमेशन मुझे डिलीट करनी। वट आई विल डू इज के फ्रॉम 13 शिफ्ट दबा के ड्रैग करो जितनी भी आगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने आगे की यहाँ पे सारी अगेन सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए या कोई एक ऑब्जेक्ट जिसकी एनिमेशन डिलीट करनी है। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा मुझे सिर्फ पाँव की एनिमेशन डिलीट करनी है, तो दोनों पाँव सेलेक्ट किए, शिफ्ट क्लिक एंड ड्रैग, तो पाँव की फ्रेम से सेलेक्ट की। आपने कहा यार पाँव हाथ बॉडी ये सारी की तो सबको सेलेक्ट किया। ठीक है, 13 शिफ्ट क्लिक 13 से डिलीट किया। अब सिर्फ 13 और उसके बाद की एनिमेशन सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, डिलीट कर दूंगा। तो अब 13 यहाँ तक आके बैठी, उसके बाद एनिमेशन सारी डिलीट हो। तो आप ये भी कर सकते हो कि जो आपको सेलेक्ट करनी है, डिलीट करनी है, एनिमेशन मूव करनी है, हमने कहा यार ये भी ठीक हो गया कहानी। ठीक है, सारी डिलीट करनी है, डबल क्लिक किया, राइट क्लिक किया, डिलीट कर दिया, तो सारी एनिमेशन आपकी डिलीट हो गई। दूसरा तरीका डिलीट करने का यह है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा यार मैं सारी नहीं करता, मुझे सिर्फ पाँव की शुरू की डिलीट करनी है। वैन यू सेलेक्ट योर फुट कंट्रोल, तो आपको यहाँ पर रेड रेड नज़र आ रहा है इंडिकेटिंग कि यार यहाँ पे की फ्रेम सेट की हुई है आपने। 12 पे आ जाऊँगा तो फिर की फ्रेम आ जाएगा कि यार यहाँ पे की फ्रेम है, तो जो की फ्रेम है उसको सेलेक्ट किया, टाइमलाइन पे गए, यहाँ पे इन पूरे ऑब्जेक्ट्स को नेम्स को क्लिक एंड ड्रैग किया, राइट क्लिक किया, डिलीट सेलेक्टेड, डिलीट सेलेक्टेड। उससे भी क्या होगा कि पाँव की जो एनिमेशन थी वो डिलीट हो जाएगी, बाकी नहीं सिर्फ पाँव के उस कंट्रोलर की। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा यार हैंड की जो एनिमेशन है, फॉर एग्जाम्पल लेफ्ट राइट हैंड की, मुझे ये एनिमेशन नहीं चाहिए, सारी एनिमेशन डिलीट करनी है। सारी करनी है तो मैं इसके चैनल बॉक्स में आऊँगा, क्लिक एंड ड्रैग, जिस जिसके ऊपर रेड टिक लगा हुआ मतलब इसके ऊपर की फ्रेम सेट की हुई है उसको, उसके नेम को क्लिक एंड ड्रैग किया, सेलेक्ट किया, यहाँ पर राइट क्लिक किया, डिलीट सेलेक्टेड, तो वो एनिमेशन डिलीट हो गई। लेकिन आपने कहा नहीं यार इस हाथ की मैंने सारी नहीं डिलीट करनी, सिर्फ जो शुरू से तो ठीक था पहला फ्रेम, जो ये 12 फ्रेम की एनिमेशन है ये गलत हो गई है, मुझे इसको डिलीट करना है। तो हैंड को सेलेक्ट किया, उस की टाइम फ्रेम पर आया, राइट क्लिक किया, डिलीट कर दिया, तो सिर्फ 12 की फ्रेम की डिलीट हुई, बाकी नहीं हुई। ठीक है, तो ये आपके पास पूरा कंट्रोल है माया में कि आप चाहे तो पूरी एनिमेशन डिलीट करो, किसी एक कंट्रोल के डिलीट करो, टाइम लाइन से डिलीट करो, या उसको सेलेक्ट करो, चैनल बॉक्स में जाओ, चैनल बॉक्स में पूरी एनिमेशन डिलीट करेगा, सारी डिलीट सेलेक्टेड, पूरी एनिमेशन डिलीट कर दो। टाइमलाइन पे आप कंट्रोल कर सकते हो कि कौन सी फ्रेम्स की एनिमेशन में डिलीट करो, सारी डिलीट करो तो शिफ्ट सेलेक्ट करके आप पूरी सेलेक्ट करेंगे, या कोई रेंज सेलेक्ट करो, या उस पर्टिकुलर टाइम पे जो की फ्रेम है वो डिलीट करो, मैंने सारी डिलीट कर दी। ठीक है, तो मैंने इसको उठाया, शिफ्ट क्लिक किया, पूरी टाइमलाइन पे डिलीट कर दिया, तो पूरी एनिमेशन इस हजरत की डिलीट हो गई। अभी भी अगर मैं टाइम मूव करूँ तो सिर्फ पाँव रह गया। ठीक है, ये पाँव है जरा, मीन सम हाउ पाँव मेरा सेलेक्ट नहीं हुआ था, तो पाँव की एनिमेशन रह गई। अगेन शिफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, डिलीट। अच्छा बाय द वे यू कैन नोट कि यहाँ पे कॉपी पेज भी है, तो आप ऐसा भी है कि की फ्रेम्स को आप एक जगह से कॉपी कर सकते हो, आगे टाइम पे दोबारा पेस्ट भी कर सकते हो। हाँ, फॉर एग्जाम्पल हाथ ऊपर है, नीचे आया, फिर ऊपर जा रहा है, तो आप टाइम मूव किया, फिर पहले वाली की फ्रेम्स कॉपी की, ऊपर कर दी, तो कॉपी पेस्ट सेम ऑब्जेक्ट भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो बहरहाल अब इसके ऊपर मैंने सारी एनिमेशन डिलीट कर दी। अब फिर सवाल ये पैदा होता है कि यार इसको मैं वापस जीरो पे कैसे ले जाऊँ, ये तो पोजीशन चेंज हो गई। ठीक है, अब पोजीशन चेंज होने के बाद मैं क्या करूँ, व्हाट आई डू इज के गो इनटू योर कंट्रोल्स। फॉर एग्जांपल हाथ को इसको सेलेक्ट किया, इसकी वैल्यूज आ गई, इसको उठाया, जीरो कर दिया। इसी तरह से सारे कंट्रोल सेलेक्ट करो, उसकी ट्रांसलेट रोटेट वैल्यूज उठाओ, जीरो जीरो करते जाओ, ऑटोमेटिकली आपका कंट्रोल जो है वो डिफॉल्ट पर आ जाएगा। रिगिंग का सबसे बड़ा हमें एडवांटेज ये मिलता है, जो भी अच्छी रिग्स नेट पे मिलेंगी वो हमेशा जीरो जीरो से स्टार्ट होंगी, और फिर उनकी की प्रॉपर्टी ये होगी कि आप उसको कंट्रोल और कस्टमाइज बड़े मज़े से कर सकते हो, हैंस ऑटोमेटिकली योर ऑब्जेक्ट इज नाउ एट डिफॉल्ट। ठीक है, जो स्टार्टिंग पोज था हमारे पास उस पर आ गया।
खत्म, सिंपल एज दैट। नेट से कोई भी रिग उठाओ, आप उसको एनिमेट करो, या मैंने आपको रिग दी एनिमेशन हुई हुई है, उसको डिलीट करना है, डिलीट करो, कंट्रोल्स पे जाओ, उसको आप 0-0 करोगे, वो आपके 0-0 पे चला जाएगा। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज ईशान भट्टी, आई एम द क्रिएटर ऑफ ईशान एकेडमी, एन ऑनलाइन मल्टीमीडिया लर्निंग एंड एजुकेशनल साइट दैट हैज वीडियो लेक्चर्स ऑन एंड नोट्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स। सो टू कीप अपडेट, लाइक शेयर and subscribe. Oh, that's nice.